तो बच्चों आपके स्क्रीन पे ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, अभी उसे पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चार अलग अलग लेंस दी है और अलग अलग डायमीटर्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो फोर्स है और मटेरियल है, मटेरियल भी सेम है और फोर्स जो लग रहा है, टेंशन लग रहा है, वो सेम है। तो हमें पूछना है लेंथ 100 सेंटीमीटर के और डायमीटर 1 मीटर का इलोंगेशन कितना होगा, लेंथ 200 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 एमएम का इलोंगेशन कितना होगा, और ये चारों में से मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, जब हम सेम टेंशन अप्लाई करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है। तो स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, ये निकल के आएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इसको चेंज इन लेंथ के इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे फॉर्मूले को, तो फोर्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, फोर्स यानी टेंशन और यंग्स मॉडुलस यानी मटेरियल दोनों एक ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर हमें दिए हैं चार अलग अलग लेंथ दिए हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे चार ब्लॉक्स बना लेंगे। ठीक, यहां पर लिखते हैं L 100 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देते हैं L 200 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देते हैं L 300 सेंटीमीटर और यहां पर लिख देते हैं L 400 सेंटीमीटर। यहां पर है D आपका 1 mm, यहां पर D है 2 mm, यहां पर D है 3 mm और यहां पर है 50 सेंटीमीटर, है ना, मेरे से गलती हो गई, और यहाँ पर है 0.5 mm d है। ठीक, अब ये सेंटीमीटर को हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1000 mm हो जाएगा और d कितना है 1 mm, यहाँ पर l कितना हो जाएगा 2000 mm और यहाँ पर d कितना हो जाएगा 2 mm, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 mm और यहाँ पर d कितना है 3 mm, यहां पर L कितना हो जाएगा 500 mm और यहां पर D कितना हो जाएगा 0.5 mm। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। ठीक है, L यहां पर क्या आएगा 1000, वायर है, वायर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर पाई इंटू एरिया, इसका डायमीटर है 1 mm, तो रेडियस कितना आएगा 0.5 स्क्वायर। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कितना है 1000 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 1 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर 2 एमएम है तो रेडियस कितना आएगा 1 एमएम आएगा। यहां पर बात करें अपर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 1.5 होल स्क्वायर, और यहां पर अगर बात करें तो 500 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 0.25 स्क्वायर। अगर यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहां पर बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा लगभग 4000 बाय पाई, यहां कर बात करें तो ये मिलेगा 2000 बाय पाई, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हमें कितना मिलेगा, वन थ्री 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 डिवाइडेड बाय पाई, और यहां पर मिलेगा 8000 बाय पाई। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों कि यहां पर चेंज इन लेंथ में सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आने वाली है, तो हम डी ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं।